हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिस वीडियो का रहता है आपको इंतजार मैजिकल लेवल्स के साथ। जी हाँ, आज का दिन रहा कुछ अटपटा, इन द सेंस मॉर्निंग में आपको अपडेट किया था दोनों साइड की मूव मिलेंगी, वो ही हुआ। मार्केट ने ऊपर भी मोमेंटम दिया और नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिया, जितना नीचे आया उतना ही रिकवर करके जहां शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। इन द सेंस जो कैंडल बनी है एक ऑलमोस्ट डॉजी और या हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है, जो कि रिवर्सल कैंडल स्टिक जरूर है और एक रिवर्सल कैंडल स्टिक है और मुझे लगता है कि मार्केट को रिवर्स कर जाना चाहिए और कल आपको एक यहां पर कैंडल मिलनी चाहिए जो होगी रेड, जो विच शुड बी रेड इन कलर अपने सेटअप के हिसाब से, और ये एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, क्यों? कल है ब्लैक फ्राइडे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे लॉजिक सारे लेवल्स को डिस्कस करूंगा गाइस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज करने के बाद लाइक कीजिए और वॉच लेटर लिस्ट में डाल दीजिए ताकि आप फ्री होने पर इसको देख सकें। जो लोग देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये कैंडल क्यों बन सकती है गाइस कल के रिजेक्शन, क्योंकि ये एक बेसिकली रिजेक्शन पॉइंट है। मैं यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक अगर दिखाऊं, ये देखिए 50 EMA का रिजेक्शन है। तो नंबर वन रिजेक्शन इस कैंडल बनने का रीजन है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये टूटता है बहुत थोड़ा थोड़ा मुश्किल है और ये टूटते है, यहाँ से 50 EMA ने तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया था। ऊपर से डेली चार्ट के ऊपर एक फॉर्मेशन बन रहा है था बेरिश फ्लैग का, ये बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन, इसने इसका ब्रेक डाउन दिया और मार्केट ने ब्रेक डाउन देने के बाद ये वापस ऊपर गई रीटेस्ट कर रहे, रिटेस्ट करके इसको नीचे की तरफ आना चाहिए क्योंकि इसके टारगेट नीचे की तरफ ही हैं। ठीक है, जो हमारे टारगेट हैं गाइस नीचे तक के ही टारगेट हैं, तो मुझे लगता है कि इसको नीचे की तरफ ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया जो जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि नीचे आना चाहिए। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग अलग है, ट्रेडिंग कैसे करनी है किस हिसाब से करनी है उसको हम चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। 5 मिनट का गाइस ये चार्ट है आपका और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आने के बाद मार्केट आज खुली, मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप लिया और जिन लोगों ने मेरी बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, देखो बाहर खुल रहा था सबसे पहले ही अंदर की तरफ आना था, इसको आना ही था, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाया लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप बॉलिंजर बैंड सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 तारीख का सेमिनार। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ट्रेडिंग विद तरुण गूगल प्ले स्टोर में से और वहां से आपको एक बैनर मिलेगा जिस बैनर के ऊपर क्लिक करके आप बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं फॉर 12th दिसंबर का फ्री सेमिनार ऑन बोलिंजर बैंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बोलिंजर बैंड के बारे में, तो वो आप सीख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका अच्छा मूव मिला, मार्केट जिस तरीके से नीचे आई थी वैसे ही ऊपर चली गई। देखिए आने की स्पीड तेज थी, जाने की स्पीड कम थी, मार्केट ने फिर से एक छोटा डिप दिया और वो भी रिकवर कर लिया। तो एक बड़ा डिप, फुल रिकवरी 100% रिकवरी, फिर एक छोटा डिप और उसके बाद 100% रिकवरी। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव सेटअप बना के बंद हुई है। कौन सा सेटअप गाइस? इस सेटअप को हम बोलते हैं मिस्टर शर्मा सेटअप, मतलब मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न इसने फॉर्मेशन किया है बकायदा, अगर आप देखेंगे तो ये इसका कप बना और ये इसका हैंडल। ठीक है, कल अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से साइडवेज होके, जैसे भी अगर ये ब्रेकआउट होता है ठीक है ट्रेडिंग के दौरान, तो आपका टारगेट क्या निकल के आता है, 16,620 का टारगेट है मेरे ख्याल से, उसके आसपास का टारगेट है। ठीक है, तो ये टारगेट क्या निकल के आ रहा है, कप एंड हैंडल का टारगेट निकल के आ रहा है 17,620 का टारगेट, मान के चलिए 17,620 का टारगेट मोर लेस ऊपर और नीचे की तरफ निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 17,500 का, एंट्री इसके ऊपर रहेगी 535 के ऊपर, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ऊपर 70-80 पॉइंट का टारगेट आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। बात करें लेवल्स की जो आपको दिए थे गाइस आज, ये हमने कल लेवल दिए थे, मार्केट लेवल्स के ऊपर खुली और देखिए नीचे गिरी, तो लेवल्स को वही इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ इसके हमारे लास्ट लेवल से सपोर्ट लिया, वापस सभी लेवल्स को तोड़ती भी ऊपर गई। ठीक है, और ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी हो रहा है, आपको ट्रेड कैसे करना है इन लेवल्स को यूज करते हुए कल के दिन। ठीक है, मार्केट हुई है क्लोज बंद, यहाँ पर आपके लिए जो टोटल जोन रहेगी नो ट्रेडिंग जोन आप मान के चल सकते हो, मैं इस लाइन को फाइव फोर, ये एक ये रेजिस्टेंस लाइन है,
बट आप डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर 17,540 इसके ऊपर बाई कीजिए, ये बहुत अच्छा है। 17,550 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है आप बाई कीजिए 17,586 एंड 17,607, ठीक है। ये है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ लाइन को, सॉरी एक और लाइन ऊपर खींच देता हूँ, ये आपका टारगेट रहेगा। तो ये इसको आप मान के चल सकते हैं 17,620 आपका टारगेट रहेगा और उसके ऊपर 17,653 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट अगर गई तो, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके नीचे की तरफ हिलती है तो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन बनानी है वो कहाँ बनानी है, सेफ पोजीशन 17,450 के नीचे। ये पूरा जोन छोड़ दीजिएगा, ये जो एरिया है इस एरिया को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कोई पोजीशन नहीं बनानी है। हमने भी आज एक पोजीशन बनाई थी 17,500 पर, अभी छोटे लाल कलर में है वो, लेकिन मुझे लगता है कि पोजीशन आपकी बन सकती है 17,450 के नीचे। आप एक छोटी पोजीशन बना सकते हैं लेकिन एक लेवल नोट कर लो, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आपको डेली बेस पर क्लोजिंग दे देती है, 17,300 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, जितनी बड़ी पोजीशन आपको बनानी है बना सकते हो, आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 17,800 का, 16,800, ठीक है। 17,300 से 16,800 लॉन्ग पोजीशन दिसंबर एंड की हम बनाएंगे लेकिन इस लेवल के नीचे, ये भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर पोजीशन बनाई है गाइस, और यहाँ पर भी एक कपल हैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा। जब ये मार्केट अभी पूरी तरीके से नहीं आई, ये यहाँ से गई है और ये ऊपर अगर आ जाती है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। कपल हैंडल तो है ही, अगर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो गाइस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। और एक ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में क्यों है अगर आप नोटिस करेंगे तो, ये इसका हाई था, ठीक है, उसके बाद दूसरा हाई इसके नीचे बना और तीसरा हाई इसके नीचे बना, ये क्या बन रहा है, लोअर हाईस, ठीक है, लोअर हाईस। ये एक यहाँ पे इसने लो बनाया था लेकिन इसके लो हाई लो बन हो गए, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट है, तो ट्रेंड इसने अटपटा कर दिया एंड एंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड को इसने ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेंड में तब्दील कर दिया, लेकिन ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरीके से फॉर्मेशन इसकी बन चुकी है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर ब्रेक आउट होता है या ब्रेक डाउन होता है कहाँ से, ये इसका टारगेट बनेगा ऊपर से, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का, ऊपर टूटे या नीचे टूटे आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। 37,621 ये जहां से भी टूटेगा वहां से, और नीचे की तरफ अगर टूटता है, मान लीजिए मैं यहां से टूटने की बात करते हैं कि यहां से इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ 36,547, तो चाहे ऊपर या नीचे आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। बैंक निफ्टी के अंदर इसके लेवल्स की अगर हम बात करें जो आपको दिए बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स गाइस आपको दिए थे, नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर खुला, बीच में खुला और वहीं से मार्केट नीचे आई, वापस उसने लिया और आपको टारगेट पूरा प्रॉपर नहीं दिया इसने, पूरा गैप फिल नहीं किया और वापस ऊपर चले गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट किया बैंक निफ्टी के अंदर, तो अगर आपने यहाँ नीचे बुक नहीं किया होगा तो स्टॉप लॉस हिट किया होगा और दोबारा आपको एंट्री मिली, उसके बाद स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया लेकिन हाँ आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्लोज बंद हुआ होगा, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के अंदर उतना अच्छा ट्रेंड नहीं मिला, लेकिन गाइस हमने बैंक निफ्टी को लाइव ट्रेडिंग की थी हमने आज, और बैंक निफ्टी के अंदर हमने जब ट्रेड किया था सो हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, हमने यहाँ से ये पूरा टारगेट अचीव किया, यहाँ से हमने एंट्री दी थी 37,093 पर एंट्री दी थी, 37,252 पर बुक किया हमने, ये पूरा टारगेट बुक किया, बाद में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ये ब्रेकडाउन हमने ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पर भी तो हमने पैसा बनाया दोनों तरीके से, पैसा जो बना है बैंक निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी बैंक है और अगर आप देखेंगे तो ये एक यहाँ यहीं पर ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ठीक है, ये भी एक फॉर्मेशन है जो एक नेगेटिव फॉर्मेशन है जो साइन दे रही है कि मार्केट को नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, और अगर मार्केट ऐसा ब्रेक डाउन देती है तो इसका क्या टारगेट निकल के आ रहा है,
मैं आपको मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स इसलिए बता रहा हूँ गाइस, आपको सीखने को भी मिले साथ के साथ में आपको समझ भी आ जाए कि कैसे क्या क्या होता है और ये टारगेट क्या है, और फ्यूचर में आप इसको खुद भी निकाल सके। तो इन्वर्टेड सॉरी आपके हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या रहा है, 36,700 के आसपास भी टारगेट आ रहा है। इसका एंट्री होगा 36,970 के नीचे, 970 के नीचे इसका एंट्री बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ट पैटर्न का व्यू। चलिए आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ में एक स्टॉक के वो लेवल देता हूं जिस लेवल का आपको रहेगा बिल्कुल इंतजार, ऑफ कोर्स कौन से गोल्डन लाइन के लेवल मैं आपको बता। चलिए सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस कल आपको दिया था मैंने एक स्टॉक जो है रिलायंस विद आर गोल्डन लाइंस, आपको बोला था कि गाइस आप डेफिनेटली बाय कीजिए, ये ब्लू लाइन अगर टूटती है तो गोल्डन लाइन जरूर टच होगी, और गोल्डन लाइन टच हुई और लाइव के दौरान ही मैंने एक एक्सटेंडेड टारगेट भी दिया था, लाइव के दौरान मैंने एक एक्सटेंडेड टारगेट दिया था, वो एक्सटेंडेड टारगेट भी रिलायंस ने अचीव किया। सो सुपर से भी ऊपर रिजल्ट रहे हमारे। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वो लाइव दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कल के लिए आप याद रखिएगा, ऑफकोर्स मैं फ्राइडे के खुले लेवल नहीं दे रहा हूँ, मैं फ्राइडे के लेवल आपको दे रहा हूँ इस रूप में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में रखेंगे नो ट्रेडिंग जोन। ऑफकोर्स आपको जो लेवल बताएं उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, लेकिन गोल्डन लाइन के लेवल अलग होते हैं। सो अगर कल किसी भी रीजन से 17,580 के ऊपर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, सो गाइस 17,743 ऊपर की तरफ, और अगर 17,417 टूट जाता है तो 17,252 के टारगेट ओपन हो जाएंगे गोल्डन लाइन के। ठीक है, इसके चांसेस थोड़े कम है गाइस, गोल्डन लाइन मैंने दे दी है लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि सेटअप उतना स्ट्रांग नहीं है। सो हो सकता है यहां तक आए, लेकिन गोल्डन लाइन तक भी आ सकता है बकायदा, सेटअप वही बन रहा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी के गोल्डन लाइन के लेवल्स क्या है, ये है आपकी गोल्डन लेवल्स। ठीक है, क्या है, 36,850 के नीचे 36,331 आ सकता है और 37,360 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो 37,871 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। कल जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था, जो जिसका मेरे को इंतजार रहता है, जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे इसके ऊपर काम करके बड़ा मजा आता है। काफी लोगों ने बोलता है कि सर एटलीस्ट एक स्टॉक जरूर दे दिया कीजिए एनालिसिस वीडियो के साथ में नेक्स्ट डे के लिए, जिसके ऊपर हम काम कर सके, अगर वो गोल्डन लाइंस में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बात को समझते हुए सुनते हुए मैं आपको एक नहीं, आज बोनस के रूप में दे रहा हूँ दो स्टॉक। पहला स्टॉक है हमारे कल के लिए गाइस, वो है कोफोर्ज। ठीक है, कोफोर्ज क्या है, कोफोर्ज की क्लोजिंग हुई है 5255 के ऊपर। कल अगर कोफोर्ज आपको 5310 नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चार्ट भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, 5310 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 5396 टारगेट अचीव होंगे, अगर 5220 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 5133। ये दो लेवल है, बीच में हमारी ट्रेडिंग ये जो जोन रहेगी इसको हम बोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में आपको करनी है नो ट्रेडिंग एट ऑल। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कोफोर्ज 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है विच मेक्स इट अ कैंडिडेट फॉर अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने की कोशिश की। बट कल के दिन अगर आपको 5310 के ऊपर टूटता हुआ दिखाई देता है और अगर मैं फ्लैग का टारगेट निकालूं, फ्लैग का टारगेट निकल के आ रहा है, ये इसका फ्लैग का टारगेट है और फ्लैग के ऊपर अगर मैं रखता हूं तो भाई क्या होता है, सुपर से भी ऊपर। इन दोनों गोल्डन लाइन के ऊपर या नीचे की तरफ आपको एक वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड टारगेट, वो मैं लाइव मार्केट में जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन हाँ इतना टारगेट तो आपको आता हुआ दिख ही रहा है। तो पहला स्टॉक हो गया हमारा कोफोर्ज। सेकेंड स्टॉक इन द लिस्ट इज बेसिकली कॉल्ड इंडिया होटल, बहुत अच्छा, सुपर से भी ऊपर, नो ट्रेडिंग जोन, 205 के ऊपर क्लोज होता था 209.40 और 202 के नीचे क्लोज होता था 198.35, छोटा टारगेट, इंट्राडे के दोनों स्टॉक है, दोनों स्टॉक पर नजर बना के रखेगा, वॉच लिस्ट में डाल के रखेगा, रिलायंस ने आज जैसे पैसा दिया ये भी आपको अच्छा पैसा देखे जाएंगे। तो कोफोर्ज इंडिया होटल दोनों के अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप है गोल्डन लाइन के, निफ्टी और मैग्नेटिक के कम है लेकिन मैंने अभी भी आपको वो दे दिया है, तो गोल्डन लाइन का जो हमारा सेटअप है वो है सुपर से भी ऊपर। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैंने आपको लेवल्स भी दे दिए किस तरीके से आप काम कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स के ऊपर। ये जो हमारा मेन चार्ट है वो रहेगा एज इट इज, और ये वाली जो हमारी नो ट्रेडिंग जोन है वो खत्म हो जाएगी और हमारी नो ट्रेडिंग जोन जो बनी है वो बनी है नीचे की तरफ, ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन 36,800
36,845 के नीचे सेल करेंगे, पुट बाय करेंगे, और नीचे के टारगेट होंगे 37,119 के ऊपर, ऊपर के टारगेट रहेंगे 37,503 एंड सो ऑन सो फॉर। ठीक है, गोल्डन लेवल भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं, सब मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से लेकर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन कॉपर हैंडल का ध्यान रखिएगा, कल जो बनता है जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको खींच के दिए उसका ध्यान रखिएगा, और फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।